दिल्ली में भाई बारिश और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, और मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी दिल्ली में कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। एंड फाइनली बारिश के बाद मौसम बहुत अमेजिंग हो गया है और अब बाहर खड़ा होने में भी सही लग रहा है, वरना ना भाई बहुत हालत ख़राब हो जाती थी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक राइड पे जाने वाले हैं जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और जिसकी तैयारी चल रही है। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा जो पिछली वीडियो में, तो इस वाली वीडियो का जो टॉपिक है वो भी आपको पता चल ही गया होगा और आपने शायद थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। ये वाली वीडियो थोड़ी सी इमोशनल और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी मतलब इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने ये किया, क्या किया वो तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ऑब्वियसली थंबनेल और टाइटल पे आपने देख लिया होगा। तो एक फॉर दिस राइड आई हैड टू डू दिस। अब चलो अंदर चलते हैं और उसके बाद आपको सारी स्टोरी बता दूँ कि मुझे ये स्टेप क्यों लेना पड़ा। तो चलो अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ अंदर। बाहर का वेदर तो बहुत बढ़िया है लेकिन लाइटिंग थोड़ी कम थी, शाम का टाइम है ना, तो चेहरा बहुत ब्लैक ब्लैक लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो अंदर चल के बात करते हैं। तो मैं अंदर आ गए हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि हमको अपनी पल्सर NS200 सेल करनी पड़ी। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो मैं बहुत तारीफ करता था भाई, सीरियसली ये जो बाइक है ना पल्सर NS200, ये बाइक ना मतलब अगर आप राइडर्स से पूछोगे, देखो नॉर्मल लोगों के लिए तो वो एक बाइक है लेकिन जो राइडर्स है ना उनको पता है कि वो बाइक क्या है। मतलब वो बाइक ना बहुत सारी बाइक्स को ना सेम कैटेगरी की बाइक्स को पानी बुला देती है, इतनी अमेजिंग बाइक है। बट हम लोगों को बाइक सेल करनी पड़ी, तो भाई कुछ रीजंस थे, अब वही रीजंस हम आपको बताएंगे और मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा कि क्या कैसे हमने ली थी, कैसे हमने वो बाइक कैसे हमने उस पर इंजॉय किया एंड फाइनली वो बाइक को हमको सेल करना पड़ा। तो उसके लिए मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे इंसान से जो अपना रियल एक्सपीरियंस बताएगा कि वो बाइक हमने क्यों सेल करी। तो चलो मैं उस इंसान से मिलाता हूँ आपको। तो देखो ये चल रहा है निखिल भाई का व्लॉग, जो हमारा पूरे दिन व्लॉग देखने में ही जाता है, और ये है हमारे फिलियन। हेलो मैम, हाउ आर यू फिलियन ओपी। तो देखो आज की वीडियो में हम लोग ये शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों को अपनी पल्सर NS200 सेल क्यों करनी पड़ी, और आपको तो पता ही होगा कि मैं उसकी कितनी तारीफें करता था और मुझे कितनी पसंद थी वो बाइक, बट अनफॉर्चुनेटली हमको सेल करनी पड़ी। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं और आगे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, बट एज अ पिलियन आप बताइए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि पिलियन का कम्फर्ट कैसा है ना, वो बहुत लोगों का क्वेश्चन है। तो आप बताओ कि एज अ पिलियन उस बाइक में आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या बुरा लगा, मतलब क्या क्या कमियां लगी जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ा। कमी सबसे बड़ी चीज, कमी नहीं बोलूंगी मैं, प्रॉब्लम उसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई मेरी स्पीति राइड पे कि उसका उसकी जो बैठने की पोजीशन है वो थोड़ी ऐसी है जिसकी वजह से जो हम बैठते ना तो ये जो पैर होता है हमारा या तो ऐसे रहे, उसमें ऐसे था मेरा पैर, इसकी वजह से मुझे नीज में बहुत पेन होने लगा था लॉन्ग राइड की वजह से। और मैंने जबकि वो नी पैड भी पहन लिया था, मूव लगा लिया, सब कुछ कर लिया था, बट फिर भी वो पोजीशन की वजह से वहाँ पे एक वो प्रॉब्लम हुई जो कि बहुत मेजर थी। उसकी वजह से मैं एक दिन स्पीति वाली राइड पे एक दिन मैं रोई भी थी। और एक ही वो दिक्कत लगी, और दूसरी दिक्कत मुझे सीट कंफर्ट कैसा था। हाँ वही मैं बता रही हूँ कि उसकी सीट बहुत हार्ड है, मतलब कि सीट तो बोलना ही नहीं चाहिए उसको। और उसके अंदर एक चीज और है कि अगर उसकी सीट पे नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं उस पे फोम लगवा लेते हैं, लेकिन फोम लगने के बाद ना उस बाइक का लुक खराब हो जाता है, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो बहुत लोग कराते हैं, बट सीट भी बहुत ज्यादा ही हार्ड थी। बाकी तो मुझे ऐसा कुछ बाकी चलाने में हाँ, तो, pillion, तो मुझे ये दो चीजें बाकी एज अ राइडर और एक उसकी सीट पोजीशन के लिए बताया था, क्योंकि देखो वो है रेसिंग बाइक, अभी जो हमने हिमालयन ली है वो है एडवेंचर बाइक, तो एडवेंचर बाइक ऑब्वियसली कंफर्ट के लिए जानी जाती है, लेकिन जो पल्सर NS200 वो रेसिंग बाइक है, उसकी पोजीशन ही ऐसी होती है। तो थैंक गॉड तुम पल्सर NS200 पे बैठी हो, तुम KTM पर नहीं बैठी हो, अगर तुम KTM पर बैठते फिर तो तुम ऐसे ऊपर चढ़ के बैठती, तो उसका तो एक्सपीरियंस बहुत ही देखा था। बाकी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस बाइक ने हमारा कितना साथ दिया।
बहुत ज्यादा, मतलब स्पीति पे तो मतलब जो भी सुन रहा था ना कि तुम पल्सर पे आए हो, तुम पहुंच गए यहाँ तक, हम अभी काजा पहुंचे ही थे, तो हमें बहुत लोगों ने बोला था कि मतलब लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो वहां तक चली जाएगी और ऐसे रोड्स पे चली जाएगी। हाँ दिक्कत हमें जरूर हुई क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं है, तो बार बार लग रही थी रॉक्स पे और वो सब पे, बट फिर भी बहुत सही था उसका। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा, एक चीज और थी कि इतनी सारी बाइक्स मैंने मतलब स्पीति वैली और लद्दाख की ऐसे टेरेंस है ना जहाँ अच्छी अच्छी बाइक्स बोल जाती, भाई हमारी बाइक में ना एक पंक्चर तक नहीं हुआ। मतलब हमने कितना राइड किया, 1600-1700 किलोमीटर की राइड थी वो, और हमारी बाइक में एक भी पंक्चर नहीं हुआ। एंड सीरियसली उस बाइक से ना मुझे पैर हो गया था उस राइड के बाद, मतलब ऐसा था ना कि एक अटैचमेंट हो जाता है और वो हो गया था, बट स्टिल हम लोगों को सेल करनी पड़ी। अटैचमेंट इसलिए भी हुआ क्योंकि वो हमने जब ली थी तो हमने पता नहीं कैसे कैसे करके ली थी। हाँ तो कैसे कैसे करके ली थी वो, अभी वो सारी चीज मैं आपको एज अ राइडर बताता हूँ। ये मैंने एज अ पिलियन, सॉरी मैंने नहीं, एज अ पिलियन एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करना चाहते थे कि पिलियन को क्या 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 प्रॉब्लम्स है। पिलियंस को लेकर बहुत सारे लोगों को सवाल होता है, तो ये शायद बहुत सारे लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर देगा। अब मैं आपको एज अ राइडर और एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ जिसकी वजह से हमने वो सेल करी। तो एंगल चेंज करते हैं, तो अब मैं आपसे शेयर करूंगा एज अ राइडर क्या क्या मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा कैसा मुझे क्या क्या कमियां लगी, क्या क्या उसके अंदर अच्छी चीज लगी। तो सबसे पहली चीज है, जैसे मैंने बोला कि पल्सर NS 400 एक यू नो लेजेंडरी बाइक है। मतलब बहुत कम लोग हैं, देखो कमियां हर बाइक्स में होती है, बट पल्सर NS 400 ना बहुत सारी चीजों में बहुत सारी बाइक्स से आगे निकल जाती है। KTM से अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने एक वीडियो बनाया था पल्सर और KTM के ऊपर, एक शॉर्ट्स बनाया मैंने, उस पर बहुत सारे लोगों ने पल्सर की बहुत तारीफें की हुई है। और KTM की मैं बुराई नहीं करूंगा, बट सबको पता है कि KTM के बारे में लोगों का क्या कहना है। सो लेट्स बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव्स भाई पूरे 1600 किलोमीटर, देखो एज अ राइडर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ सीट उसकी स्टिफ है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके अंदर फॉर्म लगवा लेते हो ना तो उसकी सीट, उसके जो लुक है ना वो लुक खराब हो जाता है, बट बाइक का लुक मैटर करता है, मेरे लिए तो मैटर करता है। मेरे लिए बाइक ना अच्छी लुक वाली होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप उसके अंदर सीट्स, आप उसके अंदर वो जो फॉर्म के पैड्स वगैरह, जो सीट सीट के पैड्स होते हैं वो सब लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। बट फॉर अ लॉन्ग राइड इसमें एक तो सीट की प्रॉब्लम थी, और पिलियन वाइज उसके अंदर थोड़ा सीटिंग के जो पोजीशन है ना उसमें थोड़ी दिक्कत है। और हम लोग दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं, तो हम लोगों के लिए कम्फर्ट, मेरे लिए एज अ राइडर पिलियन का कम्फर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे बड़ा पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा था कि स्पीति का टेरेन, आप लोग जो लोग गए उनको पता है कि जब आप बाटल से आगे निकलते हो ना, वो टेरेन जो है वो भाई एंड है, मतलब डेथ है वो। और वहाँ पे वो बाइक ना हम लोग शायद 1-2-5 किलोमीटर ऐसी स्पीड पे चला पा रहे थे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो हिमालयन पे आए थे भाई साहब, वो ऐसे गोली की तरह निकाल रहे हैं, बट हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब यू नो ऐसे निकालनी पड़ रही थी कि देख देख के, और बहुत ज़्यादा नीचे लग रहा था, नीचे स्टैंड और उसका जो साइलेंसर होता है वो नीचे बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये मेन पॉइंट था, क्योंकि यार जब आप ऐसे टेरेन्स पे जाते हो आपको बहुत ऑफ रोडिंग मिलती है, ऑफ रोडिंग के टाइम पे आप इतना स्लो नहीं चल सकते, और ये सबसे बड़ा रीज़न था। ये दो रीज़न जो मैंने आपको बताए, एक तो पिलियन का कंफर्ट और दूसरी चीज़ उसका ग्राउंड क्लियरेंस। रेसिंग बाइक है, रेसिंग बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं होती। शुरू में हम लोगों का पर्पस ऑफ रोडिंग नहीं था, बट देन धीरे धीरे जैसे हम लोग गए हम लोगों का पर्पस चेंज हुआ है। तो ये रीज़न था बाइक सेल करने का। बहुत सारे लोग शायद बोलेंगे, शायद सोचेंगे कि नहीं यार वो बाइक सेल नहीं करनी चाहिए थी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो ना एज अ राइडर अकेले ट्रैवल करते हैं तो NS 400 को अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बट मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था। अब एक सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ कि ये दो रीज़न मैंने बताए, अब जो तीसरा रीज़न है वो तीसरा रीज़न ये था कि देखो हम लोग हैं अभी नए यूट्यूबर, ठीक है, तो अभी हम लोगों को सब कुछ खुद से करना होता है। हमने अभी हिमालयन बाइक ली है एंड हम लोग लद्दाख भी जा रहे हैं, तो बहुत सारे फाइनेंसेस हम लोगों को मैनेज करने पड़े थे। और सबसे
सबसे बड़ी चीज पता है क्या है कि दो दो बाइक्स को हैंडल करना इजी नहीं होता है, ठीक है। आप एक ही बाइक पे ध्यान दोगे, दूसरी बाइक खड़ी रहेगी। मैं नहीं चाहता था कि वो बाइक खड़ी रहे, खराब हो। मैंने जब हिमालय ली थी ना, एक महीने तक बाइक हाथ तक नहीं लगाया और सीरियसली मुझे खुद को बुरा लगा। एंड सेकेंड चीज जो एक और फाइनेंस वाला सीन मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने सोचा कि लद्दाख में इतना खर्चा हो रहा है, हमने अपनी सारी चीज अपग्रेड कर दी, अपनी जैकेट्स, अपने गेयर्स, अपने कैमरा, GoPro कैमरा, अपनी हिमालयन में बहुत सारा पैसा लगाया, सर्विस कराई है, बहुत सारी चीज़ हमने कराई है। मतलब अगर मैं फिगर्स में बताऊँ ना तो बहुत, मतलब फिगर्स नहीं बता सकता, बहुत खर्चा हो गया है। अभी लद्दाख में भी खर्चा होना है, फिर हिमालयन भी ले ली, तो थोड़ा फाइनेंसिस के लिए हम लोगों को सेल करना पड़ा। कि अब आप समझ सकते हो कि लद्दाख हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा ड्रीम था जाने का। तो मैंने एक खास हमने एक खास डिसीजन लिया कि लेट्स सेल दिस बाइक, किसी किसी के पास जाएगी अच्छे से, वो उसको जो खरीदेगा उसका ध्यान रखेगा। मैं उसका वीडियो शूट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास मेरा GoPro नहीं था, मेरा GoPro कंपनी में गया हुआ था। मेरा GoPro अभी आया है कुछ दिन पहले, और उससे पहले ही मैंने बाइक सेल कर दी थी, वरना मैं प्रॉपर वीडियो बनाता। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा था कि हम लोगों ने क्यों सेल किया है, तो बस यही रीज़न था। अब हमारे पास है हिमालयन, तो अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आर नेक्स्ट ट्रिप। सो लेट्स सी, दैट्स ऑल अबाउट इट। आपको मेरे चैनल पे एन एस स्टूडेंट नहीं दिखेगी, मुझको खुद को बहुत बुरा लग रहा है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था ना, राइडिंग पल्सर आफ्टर सम टाइम लॉन्ग टाइम ऐसा कुछ था, वो मैंने तभी बनाया था क्योंकि मैं सेल कर रहा था। मैंने उस वाली वीडियो में बोला नहीं था कि मैं सेल कर रहा हूँ, बट वो आखिरी राइड थी, मुझे पता था वो आखिरी राइड है, उसके बाद वो सेल हो गई थी और मेरा GoPro भी खराब हो गया था, चला गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो दैट्स अबाउट इट। बहुत सारे पल्सर के ओनर्स हैं, उनको इस वीडियो में शायद कुछ चीज़ें हैं जो यूजफुल लगी होगी, दैट इज़ द रीज़न मैंने ये वीडियो बनाया है। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच गाइज इतना बड़ा लेक्चर सुनने के लिए, और वही दिस इज आर फीलिंग विच वी हैव शेयर्ड विद यू। तो बस हमारे सेक्रीफाइस को आप लोग अप्रिशिएट करना, और आप लोग समझ सकते हो कि लद्दाख राइड हम लोगों के लिए कितनी कितनी हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई है उसके लिए। तो बस चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं बता नहीं सकता कि हम लोगों को कैसा लगा था। पर्सनली मुझे तो बहुत अजीब लगा जब मैंने उस बाइक सेल की थी, बट देन इट्स ओके, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक नया स्टेप ले लिया है, स्कूटी से मैं पल्सर पे आया, पल्सर पे हिमालयन पे आ गया, हिमालयन से आगे बढ़ेंगे। लेट्स सपोज आगे पता नहीं कौन सी बाइक लिखी है, क्या कुछ गाड़ी लिखी है, वो तो सब भगवान पे छोड़ते हैं। चलो गाइज इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? क्या कुछ बोलना चाहोगे? नहीं बस बोल दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, पता तो आया आपको। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं बार बार देख रहा हूँ लेकिन देखना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अब मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।